Welcome again everyone. In this particular lecture, we will talk about the modification of adventitious root as mechanical support. So let's start this. Okay, so last class में हमने काफी सारा discussion कर लिया था. हमने mainly जो है storage के ऊपर बात की थी कि adventitious root जो है वो storage के लिए किस तरह से काम करती हैं. आज के इस lecture में हम mechanical support के बारे में discussion करेंगे कि किस तरह से जो एडवेंटिशियस रूट होती हैं ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं. एंड में मैं आपको कुछ पिक्चर्स भी दिखाऊंगा जिन पिक्चर्स की सहायता से हम जो है रूट्स को डिटेल में समझ पाएंगे. मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब है कि प्लांट को एक सपोर्ट प्रोवाइड कराना. देखिए, आप जानते हैं कि बहुत तरह के प्लांट होते हैं. कुछ प्लांट 200-300 ईयर्स से भी ज्यादा होते हैं. तो इनकी बॉडी से क्या होता है, इनकी स्टेम से कुछ रूट्स अराइज होने लगती हैं. मतलब अलग अलग तरह की मैकेनिकल सपोर्ट्स की हम बात करेंगे. मैं बहुत मोस्ट कॉमन अगर मैकेनिकल सपोर्ट की बात करूं तो इसके एग्जांपल में हम प्रॉप रूट्स पढ़ते हैं, राइट? जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमनेस्ट एडवेंटिशियस रूट का एग्जांपल है, दैट इज प्रॉप रूट. इन्हें हम लोग पिलर लाइक रूट्स भी बोलते हैं. दे आर पिलर रूट्स ऑल्सो. मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिखाऊं. अगर बात करें हम तो आपने बेनियन ट्री जरूर देखा होगा. बेनियन ट्री का मतलब होता है बरगद का पेड़, राइट? जिसको साइंटिफिकली हम लोग फाइकस बेनग्लेंसिस भी बोल देते हैं, दैट इज द बेनियन ट्री. इसमें एग्जैक्टली होता क्या है ना कि बहुत सारी रूट जो है वो निकलने लग जाती हैं. किससे? स्टेम से. ये थिक पिलर लाइक एडवेंटिशियस रूट होती हैं जो कि स्टेम से ग्रो कर रही हैं और जो हॉरिजेंटल ब्रांचेस हैं बेनियन ट्री की उनको सपोर्ट करती हैं, ठीक है? तो मैं आपको जस्ट एक सिंपल सी बात बना के दिखा देता हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल की अगर हम यहाँ बात करें कि ये मान लीजिए एक बेनियन ट्री है ना, ये इस तरह से एक बेनियन ट्री है. तो इस बेनियन ट्री में से जो भी इसकी ये ब्रांचेस रही होंगी एक टाइम पर, यू नो, अलग अलग ब्रांचेस होंगी. इन ब्रांचेस में से होगा क्या कि ये कुछ इस तरह से रूट्स निकल कर आएगी, है ना? इस तरह से रूट्स निकल कर आती हैं ये, और ये धीरे 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 अर्थ सरफेस की तरफ जाती रहेंगी. किसकी तरफ जाएंगी? अर्थ सरफेस की तरफ. अगर आप इन रूट क्यों देखें इस तरह से, मान लीजिए कि हैंगिंग रूट है, तो इन रूट में हमारे पास रूट कैप प्रेजेंट होता है. इनिशियली ये जो रूट होती हैं हाइग्रोस्कोपिक होती हैं, मतलब ये नेचर से एयर से मॉइस्चर्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और ये अर्थ की तरफ ग्रो होती हैं. फाइनली जब ये अर्थ सरफेस पर पहुंच जाती हैं तो वहां जाके कंप्लीटली अटैच हो जाती हैं और प्रोवाइड कराती हैं एक सपोर्ट सिस्टम प्लांट को, ठीक है? तो इसके बारे में कुछ बातें लिख लेते हैं. लेट्स राइट डाउन. ओके, चलिए हम इसके बारे में लिख लेते हैं. सबसे पहले That prop roots are characteristics of prop root. What are the characteristics? अगर हम लोग यहाँ characteristic की बात करें तो first is they are thick, pillar like. ये जो roots हैं they are pillar like thick. ये pillar like काफी thick होती हैं roots, ठीक है? Arise from अभी कहाँ से arise करती हैं? That is important. That they arise from horizontal branches. They arise from horizontal branches. ये जो plant की horizontal branches होती हैं ये इनसे arise करती है, ठीक है? जब हम लोग roots की बात करते हैं, अब देखिए जब ये root initial में arise करती है तो इसका nature होता है कि hygroscopic होती है. So we'll write that initially it is not selected or what. Okay, so we'll write that initially the roots are, ये जो roots arise हो रही हैं, they are hygroscopic in nature. Hygroscopic का मतलब होता है कि moisture को absorb कर लेती हैं, है ना? Environment से जो air से जो है moisture को absorb कर लेती हैं. This is important. And ये aerial हैं, hygroscopic and aerial. Aerial means कि अभी तो ये इन्होंने earth को touch किया ही नहीं है, तो ये aerial होती हैं, ठीक है? That is important. अब ये जैसे जैसे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती रहती हैं वैसे वैसे नीचे की तरफ डाउनवर्ड ग्रो करती हैं. तो हम इस बात को लिख लेते हैं, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर, है ना? जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले उसको हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं नेचर में. फॉर एग्जाम्पल आपने हाइग्रोस्कोपिक नाम एक जगह और पढ़ा है. अगर आपको याद हो तो जब हम पॉलन पिस्टल इंट्रेक्शन की बात करते हैं तो जो पॉलन स्टिग्मा पर गिरते हैं, स्टिग्मा पर सुगर सॉल्यूशंस होते हैं जिन्हें एक्सुडेट कहते हैं. फिर हम कहते हैं कि पॉलन में से पॉलन ट्यूब अराइज हो गई. ऐसा इसलिए है क्योंकि पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं नेचर में, मतलब मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो इनर लेयर है दैट इज कॉल्ड इन टाइम वो हैंग कर जाती है. तो ये भी आपने पढ़ा हुआ है.
अच्छा, तो ये दो करेक्टरिस्टिक हो गए। आगे अगर बात करें तो यहां पर रूट कैप प्रेजेंट होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट दैट रूट कैप इज प्रेजेंट। यहां जो होगा ना रूट कैप वो प्रेजेंट होगा। ओके, यहां पर रूट कैप हमारे पास प्रेजेंट होता है इनके टिप्स पर। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जैसे ही ये सॉइल की तरफ पहुंचती हैं, इनमें होता क्या है कि ये सॉइल से जाकर के अटैच हो जाएंगी नीचे। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो विल राइट दैट, एक सेकेंड। ओके, वी विल मेंशन दीज थिंग्स कि जैसे ही ये सॉइल के पास पहुंचती है, धीरे धीरे थिक होने लग जाती हैं। एज दीज रूट्स रीचेस दी सॉइल सरफेस, रीच दी सॉइल सरफेस, जैसे ही जो है ना ये सॉइल सरफेस के पास पहुंचेंगी, ये जो हमारे पास रूट है, दे बिकम थिक एंड पिलर लाइक, दे बिकम थिक एंड पिलर लाइक। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, राइट। इसके अलावा देखिए, कई बार तो क्या हो जाता है कि रूट्स इतनी ज्यादा डेवलप हो जाती हैं कि जो प्लांट का या जो ट्री का मेन ट्रंक होता है वो ही डिस्टिंग्विशेबल नहीं होता। मतलब आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि कौन सा प्लांट का ट्रंक है और कौन सी रूट्स हैं। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि बहुत सालों से प्लांट ग्रो कर रहा है, मान लीजिए 200 या 300 ईयर से, तो उसमें जो मेन ट्रंक होता है वो डैमेज हो गया, वो खत्म हो गया। अब ऐसे में मेन ट्रंक विजिबल नहीं होता और जो पूरा प्लांट का क्राउन है वो इन्हीं प्रॉप रूट्स के थ्रू सपोर्टेड रहता है, ठीक है। प्लांट पूरा लिविंग रहेगा अगर चाहे उसका मेन ट्रंक भी डैमेज हो गया। इसका रीजन ये है क्योंकि ये जो पिलर लाइक प्रॉप रूट्स हैं, ये नीचे तक पहुंच चुकी हैं, अर्थ तक अभी नरिशमेंट कर रही हैं। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। इसके एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो बेनियन ट्री में से जनरली ऐसा देखने को मिलता है। इसके अलावा जो बड़े बड़े ट्री हैं, जैसे मान लीजिए कि पीपल की भी बात करें अगर हम लोग, तो उसमें से भी इस तरह के एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। अच्छा देखिए, मैं आपको अगर एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर बताऊँ ना, जनरली एक जनरल नॉलेज की बात, एक बेनियन ट्री जिसे हम ग्रेट बेनियन ट्री बोलते हैं, ये हमारे इंडियन बोटानिकल गार्डन जो कि कैलकटा में है, ठीक है, और बेसिकली जो कैलकटा में है ये जो है, ये वहाँ का एक विलेज है, दैट इज़ कॉल्ड थिमामा मेरी मेनू विलेज। ये बेसिकली अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। मैं इस बात को लिख देता हूँ, एक जनरल नॉलेज के लिए भी बात ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए मध्य प्रदेश के अंदर जो राधा सॉरी आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश बोल दिया मैंने, आंध्र प्रदेश में आप अगर गूगल करेंगे ना तो इसकी पिक्चर्स आपको मिल जाएंगी, मैं आपको दिखा भी दूंगा। आंध्र प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है अनंतपुर, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट है। इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक विलेज है और जो विलेज है उसका बेसिकली नाम है थिमामा मारी मनु। सो द नेम ऑफ द विलेज इज थिमामा मरी मनु। ये विलेज है, इसी विलेज के अंदर एक ग्रेट बेनियन ट्री ग्रो कर रहा है। यहां पर हमारे पास एक ग्रेट बेनियन ट्री है। इसे ग्रेट बेनियन ट्री पता है क्यों बोलते हैं? इसे ग्रेट बेनियन ट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि लगभग ये 5.2 एकर्स के एरिया में फैला हुआ है। इवन इसका जो मेन ट्रंक है ना वो डिके हो गया है और इसको पूरा का पूरा जो सपोर्ट है अपनी ही प्रॉप रूट से मिल रहा है। इस ग्रेट बेनियन ट्री के अंदर लगभग 1775 प्रॉप रूट्स हैं इस टाइम, मतलब तो ज्यादा भी हो गई हो, ठीक है। तो 1775 प्रॉप रूट्स हैं इसमें। इसका मेन ट्रंक डीजनरेट हो चुका है, खत्म हो चुका है, डिके हो चुका है। लगभग लगभग इसकी सर्कमफ्रेंस जो है क्राउन की, वो 404 मीटर की है। तो देखिए अपने आप में एक इंटरेस्टिंग सी बात होती है कि अब ये हमारे पास एक एग्जाम्पल के रूप में भी है और हमें ये भी पता चला कि ये किससे सपोर्ट जो है हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, यहां स्पेस नहीं है तो हम अब ऊपर की तरफ लिख देते हैं, इट्स ओके, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, अंदर हम ऊपर की तरफ इसको लिख लेते हैं इन बातों को, नहीं ओके okay, चलिए थोड़ा स्पेस बनाने की कोशिश करिए, इसमें लिख लेते हैं। इसके अलावा जो सेकंड रूट अब हम लोग बात करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी स्टिल्ट रूट।
आज हम मैकेनिकल सपोर्ट की जो चारों रूट्स हैं उनको खत्म कर लेंगे कि जो भी मैकेनिकल रूट्स में हमारे पास हैं। अच्छा, अब क्योंकि मैंने जूम कर दी है तो ये काफी बड़ा दिखाई हमें देगा। सो नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट्स रूट। मैं काम करता हूँ, आप जरा एक सेकेंड होल्ड कीजिए, मैं पेज ही चेंज कर देता हूँ। अब देखिए, बेसिकली जो स्टिल्ट रूट होती हैं, जिसके बारे में अब जो है हम यहाँ बात करेंगे, अपना जो सेकेंड टॉपिक है आज का हमारा, दैट इज गोइंग टू बी स्टिल्ट रूट। वी विल राइट दैट स्टिल्ट, और द स्पेलिंग इज स्टिल्ट रूट। देखिए, जो हमारी स्टिल्ट रूट होती हैं, ये बेसिकली किस तरह की रूट्स हैं कि देखिए, काफी छोटी होती हैं लेकिन मोटी होती हैं। दे आर शॉर्ट बट थिक सपोर्टिंग रूट हैं। अब ये ऑब्लिकली डेवलप होती हैं, बेसिकली नोड्स ऑफ द स्टेम से, या कई बार इंटरनोड से भी डेवलप हो जाती हैं। अगर आपने गन्ना देखा है तो शुगर केन में आपने देखा होगा कि ऑब्लिकली कुछ छोटी छोटी रूट जो है वो निकल के आती हैं और वो धरती के अंदर चली जाती हैं, अर्थ में चली जाती हैं। अर्थ में इनमें से फाइबरस रूट निकलती हैं और ये मिट्टी को ढंग से पकड़ लेती हैं। ठीक है, तो इनका काम जो है मेनली सपोर्ट कराना ही होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक और बात है कि जब ये सॉइल में पेनिट्रेट कर जाती हैं, इनमें से फाइबर्स निकल जाते हैं जो कि सॉइल को फॉर्मली अटैच हो जाते हैं सॉइल से, और एक सपोर्ट भी प्रोवाइड कराते हैं प्लांट को। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ना ये वाटर का एब्जॉर्प्शन भी करते हैं, मिनरल्स का भी एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो हम इसके बारे में अगर लिखें तो हम ये कहेंगे दैट स्टिल्ट रूट्स आर ऑब्लिक रूट डेवलप्स फ्रॉम नोड्स एंड इंटरनोड्स। डेवलप फ्रॉम नोड्स एंड इंटरनोड्स। इंटरनोड्स इनका काम क्या होता है? सो दे आर शॉर्ट, ये शॉर्ट हैं मतलब छोटी होती हैं, बट थिक रूट्स होती हैं। ये शॉर्ट हैं, थिक रूट हैं, एंड अटैच्ड फॉर्मली विद द सॉइल। मतलब ऊपर की तरफ तो ये सुपरफिशियली अटैच्ड होती हैं, फॉर्मली विद सॉइल। एक और बात आपको ध्यान रखनी है, इनमें से फाइबर्स डेवलप हो जाते हैं फ्रॉम दीज रूट्स फाइबर्स अराइज which also penetrates the soil surface। अब देखिए, इनका फंक्शन सपोर्ट प्रोवाइड कराना तो है ही है, लेकिन इसके साथ ये बेटर मिनरल एंड वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो वी विल ऑल्सो एट दीज पॉइंट्स दैट अलोंग विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट दीज रूट ऑल्सो हेल्प्स इन better water and mineral absorption also helps in better water and mineral absorption। ठीक है, so that is the stilt root। आपने देखी होंगी generally गन्ने में से, sugar cane में से ये rise हो जाती है। ठीक है, for example let me draw, अगर मान लीजिए, अगर हम यहाँ बना भी लें तो इस तरह से मान लीजिए एक plant है। इस प्लांट में ये इसकी नोड्स होती हैं, राइट। इन नोड्स में से होता ये है कि स्टिल्ट रूट जो है यहाँ से राइज हो रही होती हैं, है ना, ऑब्लिकली इस तरह से राइज हो रही होती हैं प्लांट में से, और ये नीचे तक अटैच हुई होती हैं। ठीक, इस तरह से सॉइल में। मैं आपको अभी थोड़ी देर में डायग्राम दिखाऊंगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें थर्ड टाइप ऑफ रूट की, दैट इज कॉल्ड क्लाइंबिंग या फिर क्लाइंबिंग रूट्स। आपने मनी प्लांट में देखी होंगी, ये इस तरह की रूट होती हैं जो कहीं पे भी मतलब एनकरेज की साइट ढूंढती हैं, और एक बार जब इनको एनकरेज की साइट मिल गई वहां चली जाती हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्लाइंबिंग रूट्स नॉन एब्जॉर्प्टिव रूट्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि किसी तरह का एब्जॉर्प्शन करेंगी। ठीक है, सो दे आर नॉन एब्जॉर्प्टिव एडवेंटिशियस रूट, जनरली क्लाइंबर्स प्लांट में मिलती हैं, बेलों में मिलती हैं।
अब ये नोड से भी अराइज हो सकती हैं, इंटरनोड से भी अराइज हो सकती हैं, और नोड्स और इंटरनोड दोनों से अराइज हो सकती हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के प्लांट्स में। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो रूट हैं ये पेनिट्रेट करती हैं क्रैक्स या फिर फिशर्स को सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए या सपोर्ट लेने के लिए, सीधी सी बात कहनी है तो इस बात को लिख लेते हैं हम सिंपल। द थर्ड टाइप ऑफ रूट वी हैव इज द क्लाइंबिंग रूट, क्लाइंबिंग रूट्स। अब क्लाइंबिंग रूट्स क्या होती हैं, तो दीज आर द रूट्स अराइज फ्रॉम नोड्स एंड इंटरनोड्स एंड इंटरनोड्स। बेसिकली वर्क क्या है, दे पेनीट्रेट दी फिशर्स, फिशर्स का मतलब होता है किसी भी तरह की दरार वगैरह, सो दे पेनीट्रेट फिशर्स और क्रैक्स, और क्रैक्स फॉर सपोर्ट, फॉर सपोर्ट, सपोर्ट के लिए या तो ये उनको पेनीट्रेट करती हैं। दैट इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द क्लाइंबिंग रूट्स। ये हमारा जो एग्जाम्पल है दैट इज इन केस ऑफ मनी प्लांट। फोर्थ अगर मैं बात करूं तो बिट्रस रूट होती हैं हमारे पास। देखिए बिट्रस रूट क्या होती हैं, एक्चुअल में जैसे मान लीजिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एरिया है, अभी ऐसे एरिया है जहां पर इतनी बारिश होती है बहुत ज्यादा, और यहाँ प्लांट बहुत लंबे लंबे होते हैं। अब क्योंकि इतने बड़े बड़े प्लांट हैं तो भाई इनका उखड़ने का पूरा खतरा है कि कोई आंधी आए बारिश आए तो उखड़ जाएंगे। लेकिन इनके अंदर क्या होता है ना कि बहुत ब्रॉड, जैसे तखत नहीं होता, जैसे मान के चलिए छोटे छोटे तखत होते हैं, ऐसे फट्टे टाइप की जो है जड़ें निकल जाती हैं और जो अर्थ की सॉइल में लंबी लंबी फैल जाएंगी। अब ज्यादा सरफेस एरिया में फैल जाने से क्या करती हैं, एक अटैचमेंट प्रोवाइड कराती हैं। इस तरह की रूट को बिट्रस रूट बोलते हैं। सो दे आर थिक फ्लैट रूट्स, राइट, थिक फ्लैट रूट होती हैं, प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट, प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट। मैं आपको कुछ डायग्राम्स दिखा रहा हूं, अब आपको ये चारों रूट्स के टाइप समझ में आ जाएंगे। ध्यान रखना है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होने वाले प्लांट्स में ये जनरली पाई जाती हैं, क्योंकि या फिर जहां मान लीजिए मिट्टी इस तरह की है कि वहां रूट्स बहुत डीप नहीं जा पा रही है, बहुत मार्शी एरिया है, पानी का एरिया है, ऐसे में, ठीक है। अब मैं इन चारों की एक पिक्चर आपको शो करता हूं। देखिए अगर हम इन एग्जांपल्स की बात करें तो ये कुछ पिक्चर्स हैं। अब आप खुद ही आइडेंटिफाई कर लेंगे इसमें से कि कौन सी रूट है, अब इसके थ्रू हम एक बार रिवीजन भी कर लेंगे। देखिए ये जो रूट्स यहाँ से अराइज हो रही है ना, ये जितनी भी रूट्स हैं ये सारी प्रॉप रूट्स हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये अर्थ की सॉइल तक जा रही हैं और अटैचमेंट प्रोवाइड कराती हैं अर्थ की सरफेस तक। इससे होता ये है कि जो प्रॉप रूट हैं मेन प्लांट को सपोर्ट कर रही हैं, अब सारा नरिशमेंट भी इनसे पहुंच रहा है। इनमें वो सारी चीजें होती हैं जो किसी एक रूट में होंगी। आपको यहाँ प्लांट का मेन ट्रंक भी विजिबल नहीं होगा, कई बार तो प्लांट का मेन ट्रंक डिग्रेड हो जाता है और अल्टीमेटली इन्हीं रूट से सारा नरिशमेंट मिल रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये रूट हाइग्रोस्कोपिक होती हैं। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि ये रूट मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं फ्रॉम द सराउंडिंग एंड देन नीचे की तरफ कंटिन्यूअसली ग्रो करती हैं। सो मेन काम इनका सपोर्ट प्रोवाइड कराना है। While talking about the second root, that is we have the stilt root. In case of stilt root, what exactly happen? You can see over here in the diagram that we have certain oblique root that are arising from the nodes. These oblique roots are penetrating the earth surface, right? They are penetrating the soil surface. Thereby, they are providing the support to the plant. Apart from this, from these so-called stilt root, small fibrous-like roots are also arise. They, when they penetrate into the soil, they also helps in the absorption of waters and minerals from the soil. Apart from that, you can see over here that there are long flat roots that are present over here and they are going deep inside the earth. That is, the function is so that they can provide the large surface area for the plant for support. ये इतना ही simple है कि एक बहुत ऊंची लंबे plant को ज्यादा सपोर्ट करने के लिए उन्होंने लार्ज सरफेस एरिया घेर लिया ताकि प्लांट जो है उसको एक सपोर्ट मिलता रहे। सो दे आर अ काइंड ऑफ बिट्रस रूट। ये वाला जो एग्जांपल है दैट इज एग्जैक्टली बिट्रस रूट का एग्जांपल है हमारे पास। इसके अलावा अगर हम लोग मनी प्लांट की बात करें तो देखिए एग्जांपल मैंने आपको मनी प्लांट कर दिया है। आप जानते हैं कि मनी प्लांट में आपने वैसे भी देखा होगा ना, आई गेस अगर ये रूट है तो वैसे भी आप ये कुछ रूट्स देख सकते हैं कि बेसिकली होता ये है ना कि मनी प्लांट में इस तरह से जैसे मान लीजिए प्लांट जा रहा है तो आप देखा होगा कि आपने इस तरह से फाइब्रस टाइप की रूट निकल जाती हैं, है ना, और ये जो है किसी स्लिट में किसी फिशर में या फिर हम मनी प्लांट को ग्रो कराने के लिए इस तरह से घास फूस के डंडा सा भी लगाते हैं। इसमें क्या होता है कि रूट डीप पेनिट्रेट कर जाती है तो सपोर्ट मिलता है।
ये किसी भी तरह की एसिमिलेटरी रूट नहीं है। अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग तरह की रूट्स हो सकती हैं, जैसे एसिमिलेटरी रूट जो कि फंक्शन परफॉर्म करती है न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब करने का कहीं ना कहीं से। ये किसी तरह का न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब नहीं करेंगी ये वाली जो रूट है, ये जस्ट एक तरह का सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, ये वाली बात ध्यान रखेंगे। इस तरह की रूट को क्लाइंबिंग रूट या फिर क्लिंगिंग रूट कहा जाता है। सो आज का सेशन इतना था, एंड वाली पिक्चर्स में हम बड़े इजीली समझ सकते हैं। होप यू लाइक इट एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर द लेक्चर, बाय।